हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको काले चने, जिसे ब्लैक चिक पीस भी बोलते हैं, उसकी सब्जी कैसे बनाना है बताने वाली हूँ। ये बिना लहसुन प्याज की है और इसका जो हम मसाला बनाएंगे वो भी एकदम डिफरेंट है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर लेना। यहाँ पे मैंने एक कटोरी काले चने को रात भर पानी में भिगो के रख दिया था, जो सुबह एकदम डबल साइज के हो गए। फिर ये पानी को मैंने हटा दिया है और उसे कुकर में ले लिया चनों को, और फिर उसमें मैंने तेज पत्ता, दालचीनी, नमक डाल दिया उसमें, और थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लिया है। पानी हमें बहुत सारा नहीं डालना है, चने के ऊपर थोड़ा सा और ऊपर पानी रहे बस उतना ही पानी हमें डालना है। फिर मैंने कुकर को ढक्कन लगाकर गैस पे तेज आंच पे मैंने 3 से 4 सीटी ले ली थी, और फिर स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक और उसे कुक होने दिया। फिर गैस बंद कर कुकर को अच्छे से ठंडा कर लिया। अब ये देखिए, हमारे चने अच्छे से कुक हो गए, इसमें सोडा और डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, अच्छे से सॉफ्ट हो गए, हाथ में लेते ही अच्छे से मैश हो जा रहे। फिर इसमें से जो तेज पत्ता और दालचीनी है उसे मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ हमें इसके लिए एक मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मिक्सर जार में मैंने 2-3 हरी मिर्च डाल दिए, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, कुछ कड़ी पत्ते डाले है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया भी लिया है धोकर, और जो काले चने हमने उबाल के रखे है उसमें से 2 बड़े चम्मच जितना मैंने इसके अंदर डाला है, और इसे मैंने अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करते टाइम अगर आपको लगे तो आप 1-2 चम्मच जितना पानी डाल सकते हो। ये देखिए, एकदम बारीक पेस्ट मैंने यहाँ इसे बना के ले लिया है। अब कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच जितना तेल गरम कर लिया, फिर उसमें राई, जीरा और हींग डाल दिए। हींग जरूर डालना ताकि गैसेस ना हो, जो चने खाने की वजह से जनरली हो जाते हैं। फिर इसमें मैंने जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसे मैंने डाल के मिक्स कर दिया, और मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी घुमाकर मैंने उसे भी डाल दिया है इसमें, बस 1 बड़े चम्मच जितना पानी, और उसे मिक्स करके स्लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे कुक होने दिया, जब तक कि ये मसाले ने तेल छोड़ना शुरू ना कर दिया हो। फिर जैसे ये मसाला कुक हो गया, मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धना पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और नमक डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच जितना मैंने इसमें अमचूर पाउडर भी डाला है। मसाले आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट कुक कर लिया। फिर इसमें मैंने जो बॉईल करे हुए चने थे उसे मैंने डाल दिया है, और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है मसाले में। इसमें हमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चने के अंदर ऑलरेडी पानी था, हमने उसे फेंका नहीं था। अगर आपको लगे कि सब्जी ठीक है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हो। इसे मिक्स करके जैसे इस पर बॉईल आना शुरू हुआ, मैंने इसे ढककर स्लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक होने दिया, जब तक कि ये सब्जी तेल छोड़ना शुरू ना कर दे। फिर अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे तड़का पैन में 2 छोटे चम्मच जितना घी गरम कर लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च और 1 सूखी लाल मिर्च डालकर मिक्स कर लिया, और इसे मैंने ये सब्जी के ऊपर डाल दिया है। इससे इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा बढ़ गया था, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। घी का फ्लेवर चनों के साथ बहुत अच्छा आया था। इसे मिक्स कर मैंने इसमें बहुत सारा बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया, और उसे भी मिक्स करके 2 मिनट और कुक होने दिया। ये हमारी चने की सब्जी बनके एकदम रेडी हो गई है। इसे मैंने बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल और फटाफट बनने वाली रेसिपी है, बिना लहसुन प्याज के। आप इसे त्यौहार और के टाइम पे नवरात्रि में भी बना सकते हो। सिंपल सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर आपने ये रेसिपी बनाई और अगर आपको ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बाई की रसोई को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, ताकि आपको आने वाले रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।